हे प्रभु, आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, परंतु मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला प्रकाशमान आपका उज्जवल मुख चंद्र कहाँ, और दिन में काले धब्बों वाला मलिन ढाक के पीले पत्तों की भांति निस्तेज दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहाँ। सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्री भुवनं तव लंघयन्ती, ये संश्रितास्त्री जगदीश्वरनाथमेकम् हे जगदीश्वर, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान आपके अनंत ज्ञान दर्शन आदि निर्मल गुण तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात तीन लोक में सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं। यह ठीक ही है, भला आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाने वालों को इच्छा अनुसार विचरने में कौन रोक सकता है। मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मारुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। हे वीतराग देव, स्वर्ग की अप्सराओं ने अपने हाव भाव विलास द्वारा आपके चित्त को चंचल बनाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी आपका विरक्त मन किंचित भी विचलित नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सामान्य पर्वतों को हिला देने वाला प्रलय काल का प्रचंड पवन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को भी कंपित कर सकता है? नहीं। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे नाथ, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ऐसे अलौकिक दीपक हैं जिसको ना बाती की जरूरत है, ना तेल की, और ना ही उससे धुआं निकलता है।
विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।